गोभी मत खाइए रात को, पेट में गैस खत्म ही नहीं होगी। ये गोभी आती ना फूल गोभी, रात के समय मत लीजिए। उड़द की दाल भी मत ले रात को, भिंडी भी ना ले। कुछ चीज है जो रात्रि को फायदेमंद नहीं है, मूंग की दाल है रात को फायदेमंद, घिया है रात्रि को फायदेमंद। अपनी रसोई में से दाल चीनी को कभी बंद मत होने दीजिए, इससे स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा बढ़िया फायदा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। हल्दी की मात्रा बढ़ाएं। व्रत वाले दिन को छोड़ करके हल्दी, आयोडीन नमक कम करें और उसमें आप सेंधा नमक, जब आप कोई सलाद वगैरह लेते हैं काले नमक की आदत डालिए। काला नमक बहुत स्वास्थ्य को फायदा, किडनी मजबूत करता है, किडनी को साफ कर देता है। पानी में, गर्म पानी में थोड़ा एक चम्मच काला नमक और थोड़ा सा आप नींबू डाल करके आप लीजिए, मूत्र रोग संपूर्ण ए टू जेड खत्म हो जाएंगे। गर्मी का समय आ रहा है, बाथरूम में बहुत जलन होती है, दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है, बूंद बूंद बाथरूम टपकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसको। अब कुछ दिनों के बाद शुरू कर दीजिए, अभी भी कर सकते हैं। नींबू 12 महीने फायदा करता है थोड़ा, और आपका वजन 3-3 महीने में 10-10 किलो कम होगा। आप करके देखें, ना हो जाए तो मेरे दोनों कान उखाड़ लेना। देसी बबूल होता है, देसी बबूल की छाल पानी में डालिए, तांबे के बर्तन में डालिए, रात्रि को गर्म करके रख दीजिए, सुबह खाली पेट पीजिए, ये जोड़ों का दर्द खत्म होगा इससे। छाल, बबूल की छाल। फली मिल जाए वो तो बड़ी बात है, उसका तो हमने बहुत बार फॉर्मूला आपको बताया है। ये जो फॉर्मूला बताया है गांठ का, जॉइंट का जो दर्द है उसके लिए, लेकिन वो आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। देसी बबूल बिल्कुल, उसकी छाल पहले फोड़ा फोंसी हो जाते थे उसको ऐसे घिस के लगा लो। नीम की छाल है, बबूल की छाल बड़ा फायदा करती है, ये जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा करती है। पनीर तो फायदा करता ही है इसमें, लेकिन ये भी बहुत फायदा करती है। तो स्वास्थ्य काम में ऐसे बहुत लोग हैं सुबह पानी नहीं पीते, पीते हैं वो भी फ्रिज का पी लेते हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य का तो ध्यान रखिए। छना हुआ पानी पिए, गर्म करें फिर उसको छाने, भगवान को लाएं छने पानी से और पिए भी छना हुआ पानी, कपड़े में छान कर। वैसे भी तो कहा गया था, पुराने शब्दों में लोग कहते थे पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। तो जितना महत्व तो गुरु का है उतना ही महत्व तो पानी का है। जैसा होगा पानी और वैसी बनेगी वाणी, जैसा होगा अन्न और वैसा बनेगा मन।